न्यूजीलैंड के खिलाफ पहले टेस्ट मैच से पहले टीम इंडिया के लिए बेहद बुरी खबर, बाहर हुआ एक घातक खिलाड़ी। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। दोस्तों, टीम इंडिया 25 नवंबर से न्यूजीलैंड के खिलाफ दो मैचों की टेस्ट सीरीज में भिड़ने वाली है। इस सीरीज के पहले टेस्ट में विराट कोहली रेस्ट पर हैं, जिसके बाद अजिंक्य रहाणे को टीम की कमान सौंपी गई है। लेकिन पहले टेस्ट के शुरू होने से पहले भारतीय टीम के लिए एक बेहद बुरी खबर सामने आई है। दरअसल दोस्तों, इस मैच से पहले घातक ओपनर केएल राहुल चोटिल हो गए हैं और वो अब पूरी सीरीज से बाहर हो गए हैं। न्यूज एजेंसी पीटीआई के अनुसार ओपनर केएल राहुल के चलते पूरी सीरीज से बाहर हो गए हैं। यह खुलासा खुद बीसीसीआई ने किया है। हालांकि राहुल की चोट कितनी गंभीर है, इस बात का खुलासा अभी तक नहीं हुआ है। अब उनकी जगह पर शुभमन गिल पारी की शुरुआत करते हुए दिखाई दे सकते हैं। बता दें कि इस सीरीज में रोहित शर्मा पहले ही बाहर हैं। वहीं राहुल के रिप्लेसमेंट के तौर पर अब भारतीय टीम में सूर्य कुमार यादव को शामिल किया गया है। हालांकि सूर्य कुमार पारी की शुरुआत तो नहीं करेंगे, लेकिन शायद उन्हें मिडिल ऑर्डर में आजमाया जा सकता है। सूर्य कुमार को पहले ही इस टीम में शामिल नहीं किया गया था, लेकिन अब राहुल के बाहर होने पर उनकी वापसी हुई है। दोस्तों, फिलहाल के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। ज्यादा जानकारी और क्रिकेट के अन्य तमाम खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।